तो अभी तक हम लोगों ने दो टेस्ट किए हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है डाइपोल की वजह से दो स्पेशल सिचुएशन में। अगर इन जनरल निकालना हो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर और इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। अब हम क्या करने वाले हैं जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मिड पॉइंट है और सपोज ये पॉइंट ए है ये बी है और सपोज मिड पॉइंट से आर दूरी पर, लेकिन जनरल इन जनरल मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट बी है, इसकी दूरी आर है, आपको यहां पर निकालना है और ये जो पी पॉइंट है ये एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अगर थीटा 90 कर दें तो इक्विटोरियल पोजीशन आ जाएगी और थीटा 0 कर दें तो ये एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा डेरिवेशन। तो ये इन जनरल है, ठीक हो गया। अब समझिएगा प्लीज, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए मिस्टर, तो इस बार को लिखते लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस, मान लेते हैं लेट पी बी अ पॉइंट सच दैट एंगल पी ओ बी कितना है, थीटा मान लिया मैंने। नाउ पी इक्वल टू हो जाएगा डाइपोल मोमेंट टू इंटू टू ए, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग ए बी, इसकी जो डायरेक्शन होगी कहां को होगी, ए से बी की ओर। तो आप इसको ऐसे समझो कि ए से बी की ओर में एक पी डाइपोल मोमेंट का कुछ है रखा हुआ और ये जो ओपी है ये थीटा। तो फिर अगर पी इधर को है तो इधर को कंपोनेंट क्या आ जाएगा, सी क्रॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 पी साइन थीटा। तो आप एक डायपोल को दो हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दो डायपोल हैं, एक का डायपोल मोमेंट पी क्रॉस थीटा है, दूसरे का डायपोल मोमेंट पी साइन थीटा है, ऐसा कहा जा सकता है। तो रिजल्टेंट तो दोनों का पी आएगा, इतना क्लियर है? हाँ, तो हम यहां भी ये करते हैं फिर, तो फिर इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं। तो मैंने क्या किया इसको देखिए प्लीज, दो हिस्सों में बांट देता हूं मैं। एट हमारे पास ये डायपोल इधर को आ जाएगा थीटा की डायरेक्शन में, ये डायपोल मान लेते हैं हम और इसका नाम हम A1B1 कर देते हैं। A1B1 जो डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट हम पी क्रॉस थीटा लेंगे और A1B1 अगर को डायपोल मानते हैं तो उस हिसाब से फिर इसके मिड पॉइंट से दूरी तो आ रही है अभी भी, ये तो आ ही रहेगी और पॉइंट पी इसकी एक्सिस पर आ जाएगा। अगर इसकी एक्सिस पर आ जाएगा तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ये ठीक है। दूसरा देखिएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा मानना है डायपोल, मान लेते हैं वो ए टू बी टू है, हम ये बार लिख देंगे अभी। अगर ये डायपोल है तो इसके लिए सोचिए पॉइंट पी इक्विटोरियल पोजीशन पे है तो उस हिसाब से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को आ जाएगा ई टू,
ए टू बी टू की वजह से, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आना होगा और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से अगर आप मिलाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो क्या ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो डायपोल की वजह से डायपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, दो सिचुएशन के आंसर हमें पता है और हम फाइनली डायरेक्ट कर रहे हैं जनरल। तो डायग्राम बना लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। वी टेक टू कंपोजिशन, टू परपेंडिकुलर कंपोजिशन या कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ पी एज पी क्रॉस थीटा एंड पी साइन थीटा, हम ये लेते हैं। ठीक हो गया, हमने ये ले लिया। सपोज ए वन बी वन एंड ए टू बी टू रिप्रेजेंट टू परपेंडिकुलर डाइपोल्स सच दैट रिस्पेक्टिव, ऐसे बना लेते हैं लैंग्वेज, डाइपोल मोमेंट्स बी, तो रिस्पेक्टिव है तो पहले ए वन बी वन का आएगा डाइपोल मोमेंट कितना, पी क्रॉस थीटा, और फिर ए टू बी टू का पी साइन थीटा। जो अब इनके डाइपोल मोमेंट ये हैं, ये ध्यान रखना है, तो जहां पी आता था या टू पी आता था वहां समझना है। तो ये ट्रिक रखने डालते हैं, फॉर ए वन बी वन अगर आप ए वन बी वन डाइपोल को लें तो P इज ऑन एक्सियल पोजिशन, तो P कहां पर है, एक्सियल पोजिशन पर है ना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी इवन, कितना होगा एक्सियल में कितना था बच्चों, 1/4 pi epsilon naught 2P था, पीटी जो क्या होना चाहिए अपॉन आर क्यू, और ये कहां को है अलोंग ओपी। ठीक है, फॉर ए टू बी टू पी इज ऑन इक्विटोरियल पोजिशन, सो सीधे लिख दे रहा हूं मैं, ए टू कितना होगा इक्विटोरियल में कितना था, 1/4 pi epsilon naught 3, पी था ना केवल पी अपॉन आर क्यूब था, हेलो ये बात समझ में आ पा रही है नहीं? यस सर। वहां 2p होना चाहिए या p होना चाहिए? अच्छा आप देखिए, e1 और e2 परपेंडिकुलर है या नहीं, e1 a1 b1 के अलोंग है, e2 a2 b2 के पैरेलल है, और e1 और a1 b1 a2 b2 परपेंडिकुलर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली आ जाएगा सिंस E1 and E2 are perpendicular to each other, hence net electric field at P will be equal to, दो perpendicular vector component है तो E1 square plus E2 square, क्योंकि क्रॉस 90 हो जाएगा वेक्टर, दो परपेंडिकुलर में यही करते हैं आप, तो E equal to हो जाएगा अंडर रूट E1 square, ऊपर लिखा हुआ है
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू टू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ये इवन है, इतने का होल स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के तो बाहर आ जाएगा और पी भी बाहर आ जाएगा, आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा सोचिए पहले में, फोर क्रॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो नेट इक्वल हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब इंटू थ्री क्रॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। ये होता है बच्चों इन जनरल किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से। ये समझ में आया आपको? तो यार ये बताओ अगर एचसीएल पोजीशन पर होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? तो एचसीएल पोजीशन पर तो जीरो थीटा, तो थीटा जीरो, जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो तो क्रॉस जीरो वन, तो वो अंदर कितना हो रहा है रूट थ्री प्लस वन फोर का रूट टू की अपॉन आर क्यूब आ जाएगा, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर करेंगे तो थीटा 90 क्रॉस 90 जीरो, तो अंदर केवल वन हो रहा तो पी अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। तो वो दोनों पर्टिकुलर केस है बच्चों, ये जनरल पोजीशन है। क्या ये अच्छी तरह क्लियर हो चुका है? एट सीज और निकाल सकते हैं यहाँ पर, दोनों के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। ये देखिए प्लीज, अगर यहाँ पर ये इस एंगल को आप अल्फा नाम दें तो टेन अल्फा इक्वल टू ई टू अपॉन ई वन हो जाएगा, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड ये होगा ना जैसे डबल क्लिक किया वही मैग्नीट्यूड यहाँ भी होगा ना साइड वाली, ठीक है ना? तो टेन अल्फा ई टू अपॉन ई वन आ जाएगा या नहीं? तो फिर ई टू ई वन तो पता ही है आपको, ये लिखे हुए हैं, तो टेन अल्फा भी निकाल लीजिए फिर। टेन अल्फा ई टू अपॉन ई वन होगा इक्वेशन टू अपॉन वन, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के कट जाएगा, आर क्यूब भी कट जाएगा, क्या बचेगा केवल पी साइन थीटा अपॉन टू पी क्रॉस थीटा, तो टेन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा हाफ टेन थीटा इक्वेशन दो, तो आप अल्फा भी निकाल सकते हैं। अगर आपको थीटा पता है ना तो ओपी से किस एंगल पे, किस अल्फा एंगल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पता लग सकता है। अगर आपने इतना भी कर दिया तो आपको पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपकी समझ बढ़ी रही होगी इससे। कोई डाउट तो नहीं है इतने में? नो सर। आज कोई और क्लास तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं फिर, कल फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे, मैं शेड्यूल भेजता हूँ आपको सुबह, ठीक, थैंक यू।